दिया है, इससे श्रोताओं को परिचित कराएं हमारे। जी, श्रोताओं ने भी काफी इंतजार किया क्योंकि पिछला जो कार्यक्रम था वो किसी विशेष रिले के कारण नहीं हो सका था। बिल्कुल। पहला संदेश हमारे पास इस कार्यक्रम में पहुंचा है अनूप कुमार चंद्रकला वैभव विभु सुरभि सांची और फूलकली की ओर से। अनूप कुमार जी क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं? जी पहले तो ये बता दें कहां से इन्होंने संदेश भेजा है। कृष्णा विहार कॉलोनी उजरू रायबरेली रोड अयोध्या से। बहुत ही अफसोस के साथ लिखते हैं कि कई वर्षों से लगातार चल रहा अपना अयोध्या शहर का एकमात्र और दुलारा आकाशवाणी फैजाबाद पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो है ठीक से हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, सही बात। लेकिन नए पार्ट्स ना लगने की वजह से पहले की तरह कार्यक्रम जो है अब उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं जी। और इनको सुनाई भी नहीं दे रहा ठीक से। हाँ। घर की छतों पर ले जाने के बावजूद भी सरसराहट इनके रेडियो में या फिर मोबाइल FM में रहती थी और जिसे इनको टेंशन होने लगता था। अच्छा, ये जाहिर सी बात है कि जिसको आकाशवाणी फैजाबाद से इतना लगाव होगा। हाँ बिल्कुल, और ठीक से सुन न पाए जी, उसको तनाव तो आता होगा, सोचता होगा क्या बात है, क्यों नहीं मिल रहा है। और कह रहे थे कि यही हाल घरों में भी था, मतलब कमरे में भी इनको साफ सुनाई नहीं पड़ता था। और अब इन्होंने कार्यक्रमों के बारे में लिखा है। हाँ। लिखते हैं कि 14 तारीख को एक चीज ये लिखना भूल गए थे कि फिल्म संगीत में पिछले दिनों एक भक्ति गीत सुनवाया गया था हरि दर्शन फिल्म से, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बिल्कुल। तो इन्होंने लिखा है कि भक्ति गीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में कभी सुनवा दे, लेकिन इसके बारे में इनको बता दें कि इस फिल्म से केवल एक ही भक्ति संगीत हम लोग के पास है, ये है ही, पूरे फिल्मों के गाने नहीं है। नहीं है। होते तो जरूर सुनवा दे। बिल्कुल सुनवा दे, बिल्कुल। और दूसरा गीत इनको कुदरत की हर एक माला, ये भी इनको बहुत अच्छा लगा। हमें लगता है उस दिन राष्ट्रीय शोक था तो भक्ति संगीत प्रोग्राम हो रहा था, तो जी, उसमें इन्होंने सुना था। जी। और 27 तारीख को इन्होंने शंकरा मूवी का भी गाना इनको जो बेहद पसंद था वो भी सुनने को मिला। और इसके साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप प्रयास करके पहले की तरह हम लोगों को आकाशवाणी फैजाबाद से कार्यक्रम जो है सुनवाएंगे, और ऐसी हम सब लोग बैठ के उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल। आप तो मुझे उम्मीद है कि जिस समय आपने अपना संदेश भेजा है तब तक आपको साफ सुथरा हमारा प्रसारण मिलना शुरू हो गया है अभी एक हफ्ते से। बिल्कुल, एक हफ्ते से हम लोगों ने बहुत कुछ अपने को व्यवस्थित कर लिया है और हमें पूरा उम्मीद है, हम लोगों ने चारों तरफ मॉनिटर करके ये देखा है कि हमारा जो प्रसारण है वो हमारे श्रोताओं तक गुणवत्ता के साथ पहुंच रहा है और आगे इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। और अगला संदेश हमारे पास जो पहुंचा है वो ये दुल्लापुर नवाबगंज गोंडा के श्रोता है शिवराम निषाद और इनके परिवार के लोग। शिवराम जी तो बराबर संदेश भेजते रहते हैं, लेकिन इनको शुरू से ही विविध भारती के कार्यक्रम उतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे आकाशवाणी फैजाबाद के लगते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने इस विषय पर कई बार बात की है शिवराम जी, अभी कुछ दिन आपको हमारे साथ ऐसे ही अपना सफर तय करना है। बाकी अपने संदेश में इसका भी इंतजार हम लोग को रहेगा। बिल्कुल, जब अगली बार आएंगे। हाँ, बिल्कुल। ये आप जैसे आपको मिलना शुरू हो गया है तो आपने जो कार्यक्रम आपने सुना उसमें क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, ये सारी चीजों को आप विस्तृत लिख के भेज सकते हैं जो हम अपने कार्यक्रमों में शामिल करेंगे अपने श्रोताओं के साथ। और संजय जी एक जो खुशखबरी है, बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम जो आकाशवाणी फैजाबाद का था जी, उसका भी नाम आप लीजिएगा। बिल्कुल। क्योंकि वो फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत दिनों से हमारे श्रोताओं की मांग थी कि जो हेलो फैजाबाद कार्यक्रम जी वो बंद पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि कार्यक्रम किसी तरह शुरू हो जिससे कि हमारे श्रोता जो है वो आकाशवाणी के साथ सीधे जुड़ सके। तो हमारे इंजीनियर्स का लगातार उसके ऊपर काम चल रहा था और उन्होंने कामयाबी प्राप्त कर ली है। हाँ, तो और ये जो अप्रत्याशित घटना बीच में नहीं होती तो हाँ, एक महीने पहले ही शुरू हो चुका था। तो देखिए कुछ ही दिन बाद 15 जुलाई से शुक्रवार को रात्रि 9 बजे जो है हम लोग अपना हेलो फैजाबाद कार्यक्रम लेकर के आपके साथ शेयर करेंगे, हाजिर होंगे और आपके जो फोन कॉल्स हैं उस पर आपको सुनवाएंगे भी। और इसके तो, बारे में हम लोग भी बताते बताते थक गए थे श्रोताओं को कि कब शुरू होगा। हाँ, वो घड़ी आ चुकी है, आ गई है। तो शुक्रवार से आप हमारे स्टूडियो के साथ हमारे श्रोता जुड़े और एक बार फोन नंबर आप जी ये बहुत जरूरी था ताकि वो किस फोन नंबर पर फोन करके आपके साथ जुड़े, हमारे उद्घोषक के साथ जुड़े, क्योंकि 2616-60 अब वो नंबर नहीं है, लैंडलाइन नंबर था। हाँ, और अब हमारे पास जो है ये मोबाइल नंबर आ चुका है। हाँ, तो एक बार हमारे श्रोताओं के साथ 73-76-80-40-90 यानी 73-76-80-40-90 ये अगर हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो इस फोन नंबर को अगर वो डायल करेंगे 9 से 9:30 के बीच सोमवार बुधवार और शुक्रवार जी तो अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत सुन सकते हैं जी। तो ये देखिए खुशखबरी मिली होगी श्रोताओं को, तो इससे वो गदगद हो गए होंगे। हाँ। और अगली बार ढेर सारे संदेश हम लोग के पास आने चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात आपने कहा, जितने ही हमारे श्रोता जुड़ेंगे उतना ही हमारा उत्साह वर्धन होगा, हम अपने कार्यक्रमों को अच्छे से अच्छे गुणवत्ता के साथ प्रस्तुत करने की योग्य होंगे। जी इस बार बता दें चूंकि ये मोबाइल नंबर है तो इसमें कहीं से भी कोई कोड नहीं लगाना, सीधे जी। अगला संदेश जी हाँ, गांव दानापुर बाराबंकी से संजय ने ये भेजा है। इनको यहाँ से सारे ही कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सुबह का जो मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम होता है वो भी इनको अच्छा लगता है, वो इनको अच्छा लगता है। और लिखा है कि हेलो फैजाबाद शुरू कीजिए, तो इसके बारे में सारी बातें हो गई अभी। बिल्कुल सही बात है, इनकी इनकी फरमाइश देखिए तुरंत पूरी हो गई जी। और कहते हैं कि थोड़े से बदलाव कीजिए और विविध भारती के कार्यक्रम थोड़े कम कीजिए। हाँ, तो बदलाव की संभावनाएं भी हैं और कार्यक्रम कम करने का और बढ़ाने का जहां तक प्रश्न है, ये जो गोल है ये महानिदेशालय में है, जैसे ही हमें निर्देश प्राप्त होंगे वैसे ही हम परिवर्तन कर देंगे जी। अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं साधना शुक्ला, सत्यानंद शुक्ला, रविकर, रीना मीरू और आराधना शुक्ला की ओर से। ये सब ग्राम पहली रहकर आकाशवाणी फैजाबाद सुनते हैं। क्या लिख रहे हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं और आकाशवाणी फैजाबाद की समय अवधि को बढ़ाएं और आपकी बात कार्यक्रम को भी आप साप्ताहिक लेकर आएं। इसके अलावा लिखा है कि होम्योपैथ के इलाज से संबंधित मस्तिष्क एवं मनोरोग किसी विशेषज्ञ से जानकारी संजय जी ने मांगी थी तो वो अभी तक इनको मिली नहीं, तो जरा हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के दावे की बात पूछ लीजिए। हाँ, हम ये बताना चाहेंगे हम कि अगले महीने से जी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर ये शुरुआत हो। अभी महीने में सिर्फ एक बार होगा, सोमवार। हाँ, सोमवार को 7:30 से 8 बजे तक, लेकिन आगे हम लोग इसको फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। और इसी तरह से संजय जी जो युववाणी में फोन इन प्रोग्राम होता था या किसान वाणी में होता था, किसान इस कार्यक्रम को लेके आएंगे, धीरे धीरे कार्यक्रम सारे शुरू होंगे। आकाशवाणी फोन के माध्यम से श्रोताओं से जुड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है और अगले महीने से हमें उम्मीद है कि हम इसमें कई कदम आगे बढ़ा चुके होंगे। और जो महिलाओं का कार्यक्रम है नारी जगत वो भी फोन इन से जुड़ सकेंगे, बिल्कुल जुड़ सकेंगे बहुत जल्द। जैसे इन्होंने कहा साधना जी ने कि मनोरोग विशेषज्ञ से होम्योपैथिक चिकित्सक से बातचीत, तो अगर कोई अपने खत के माध्यम से ये कहता है कि एक विशेष रोग के संबंध में हमें जानकारी चाहिए तो हम वैसे विशेषज्ञों को स्टूडियो में बुला करके अच्छे से उपलब्ध करा सकते हैं। आगे संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम देखिए हमारे यहाँ से रिले होता है रेनबो दिल्ली से जी, संडे को शाम 4 बजे से। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इन्होंने लिखा है कि आपके केंद्र से ये हम सुनते हैं जो कि इनको अच्छा भी लगता है। इसमें कर्नल अजय कुमार रैना जी से बातचीत सुनवाई गई थी पिछले दिनों, मन गौरवान्वित हो उठा। बिल्कुल, हम कमरे में एसी में बैठे हुए भी गर्मी का एहसास करते हैं लेकिन सूर्य उनसे ये कहकर हार मान बैठता है कि कैसे हैं ये लोग और किस मिट्टी से इन लोगों का शरीर बना हुआ है जिससे इनको तेज धूप का भी कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल, और वो हमारे सैनिक जो हमारे जैसे ही हैं लेकिन उनका मन देशभक्ति में रंगा हुआ, देश पर मन मिटने के खातिर जोश जज्बात से भरा हुआ होता है, ऐसा मन हम सबको भी बना लेना चाहिए। भाई जिस समय ये जज्बा उत्पन्न हो जाएगा देशभक्ति का, देश प्रेम का, तो आपका और हमारा शरीर भी उसी तरह सख्त हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपेक्षा करना छोड़ देंगे, जब हम देश के लिए काम करने लगेंगे तो हमारा ध्यान तो हमेशा अपने देश के लिए काम करने पर लगा रहेगा, तो बाहरी चीजें क्या क्या हमको प्रभावित करती हैं वो नहीं कर पाएंगी। और वैसे भी पूरा देश इस समय जो है अमृत महोत्सव के रंग में रंगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं स्वाधीनता संग्राम के, हमारे कार्यक्रम तमाम गुमनाम वीरों को लेकर के सरकार जो है वो सबको प्रकाशित करा रही है ताकि हम और आप सभी ये जान सकें कि कितने वीरों ने कितना बलिदान किया, कितना संघर्ष किया है जिस आजादी का हम आनंद उठा रहे हैं उसके लिए जी। साधना जी ने आगे लिखा है कि युववाणी में चक्रव्यूह कार्यक्रम नियमित रूप से नहीं हो रहा है, कभी कभार महीने में एक ही बार होता है तो इसे नियमित करें। और फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी में आप भूपेंद्र हजारिका को सुनवा दें कभी, और खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में जानकारियां तो अच्छी मिल रही हैं लेकिन इसमें जो पहले प्रश्न पूछा जाता था वैसा अब नहीं हो रहा है। और सुगम संगीत में गजलों का कार्यक्रम जो है वो भी बंद है और उसकी जगह पे विविध भारती ने स्थान ले लिया है। बिल्कुल सही बात, और देश गान भी इनको सुनने को नहीं मिल रहा है, उसका एक अलग ही स्वर हुआ करता था। बहुत से कार्यक्रम जिक्र किया है अपने संदेश में, ये कशिश है, ये थोड़ा कष्ट है हमारे श्रोताओं को, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से इनको गजल भी सुनवाएं, इनको देशगान भी सुनवाएं। और आप नोट कर लीजिए कि जो हर रविवार को प्रणाम अयोध्या में जो कार्यक्रम आता है फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी, उसमें इन पेन हजारिका कार्यक्रम हम लोग ये बंगाल के बहुत ही अच्छे आने वाले समय में करेंगे जी। तो बस आज इन्हीं संदेशों के साथ हम लोग अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। तो अमरजीत भाई देखिए एक नई जानकारी तो हम लोगों ने दे दी कि हमारे श्रोताओं की विशेष मांग पर हम लोग इस शुक्रवार से, आने वाले शुक्रवार से
अपना हेलो फैजाबाद कार्यक्रम फोन कार्यक्रम जो शुरू कर रहे हैं। और हमारे जो श्रोता जुड़ना चाहते हैं आपकी बात कार्यक्रम से, तो ये दूसरे और चौथे सोमवार को होता है शाम 7:30 से। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 8303219911, तो उस पर अपनी बात लिखकर भेज सकते। तो हम लोग लेते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार। अभी हमारे श्रोता अपने मैसेज और पत्रों के उत्तर सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात में। संदीप सिंह का था।